त्रिशूल है ना, इसके बारे में ऐसा है कि ये त्रिशूल ऊपर से फेंका था जब कामदेव का वध करना था। बट इसकी ये मान्यता कि पहले ये होता था कि आप इस उंगली से टच करेंगे, इस उंगली से टच करने के बाद ये हिलता था, और आप जब पूरे हाथ से भी हिलाओगे तो हिलता नहीं था। कहा जाता है कि ये पेड़ कभी भी झड़ता नहीं है, हमेशा इसमें आपको पत्ते मिलेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की सुबह दोबारा से हमारी हो रही है गोपेश्वर में, और आज हल्की हल्की धुंध है, धूप कम है, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है आज। और आज हमारा जो प्लान है वो है गोपीधाम मंदिर जाने का, और गोपीधाम मंदिर के बाद जोशीमठ जाने का प्लान है। एक्चुअली कल रात हम आ गए थे गोपेश्वर में, और फिर उसके बाद थोड़ी देर हम गोपेश्वर मंदिर गए थे, गोपीनाथ मंदिर गए थे। तो अब हमारा प्लान ये है कि जल्दी से, वैसे मैं नहा धो के रेडी हो गया, अब जल्दी से प्लान ये है कि तैयार होके हम निकलेंगे गोपीनाथ मंदिर, और उसके बाद फिर वहाँ से जल्दी जल्दी हम चले जाएंगे जोशीमठ, और जोशीमठ से फिर आज का प्लान है कि जल्दी जल्दी हम कहीं ना कहीं गैरसैंण के आसपास पहुँच जाए, क्योंकि कल हमें हल्द्वानी पहुँचना है, क्योंकि रोहित का भी कुछ काम है और मेरे को भी कुछ अपने काम निपटाने हैं। और कल से पाँव थोड़ा सा ठीक है, रात में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी चलते हैं और रेडी होते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए, बस गाड़ी में बैग पैक करते हैं और चलते हैं। सो फाइनली हमारा जो पैकिंग वगैरह थी गाड़ी में, सारा सब कुछ लोड कर दिया है, और अभी कोल्ड स्टार्ट के लिए अपनी बाइक रख दी है। तो सुबह सुबह जब मैं नहा के बाहर निकला ना, तो मुझसे और रोहित से मिलने के लिए हमारा अमित भाई आए, और अमित भाई यही गोपेश्वर के ही लोकल है और राइडर ब्लॉगर दोनों हैं। तो इनका चैनल का नाम है अमित एसनेगी है, मेरे चैनल का नाम। तो अमित एसनेगी, कितने लोग भी देख रहे होंगे ना, सपोर्ट करो, प्यार करो, और गोपेश्वर में जब भी आओ ना तो एक बार मैसेज भाई को मैसेज करो, इंस्टाग्राम में जाओ फॉलो कर लो, आ रहे हो तो बोल देना तुषार भाई को जानता हूँ, रोहित को जानता हूँ, बस काम बन जाएगा, सब काम बन जाएगा, सब घूमने की जिम्मेदारी भाई की है, घुमाने की जिम्मेदारी, यहाँ की लोकल चीजें दिखाने की जिम्मेदारी सारी भाई की है, और राइडर हो तो एक राइड भाई के साथ जरूर बनती है, पक्का पक्का, है नहीं है? मतलब जितने भी भाई के रिलेटेड में आएंगे ना, बस भाई जी का नाम लेना, उसके बाद तो भाई जितना हमसे हो सकेगा हम घुमाएंगे फिराएंगे, हमारी ही हेड है। और जो राइडर वाला दिल होता है ना, बहुत बड़ा होता है, एक राइडर दूसरे राइडर को जानता है कि उसको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक ही चीज, खाना पीना और रहना और घूमना, बस पेट्रोल दबा के पेट्रोल चाहिए। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ से पहले हम जाएंगे गोपीनाथ मंदिर, और उसके बाद भाई हमारे साथ पीपल कोटी तक आएगा, और पीपल कोटी से फिर वापस आज का प्लान चोपता का है सर, क्योंकि आज बर्फ गिरने वाली है, मौसम भी देखोगे तो भैया लोग करके आ गए ना, हाँ मैंने कहा मैं भी होके आऊंगा, हाँ क्योंकि मौसम जो हो रहा है ना अभी देखोगे तो हल्का हल्का बादल आ गया है, तो टाइम से हम भी पहुंचेंगे किसी लोकेशन पे, तो हमको भी शायद स्नोफॉल देखने के लिए मिल सकता है। जरूर सर आइए, तू रेडी हो गया ना, तो गाड़ी स्टार्ट कर, नहीं आती हिमालयन नहीं मिलेगी। तो भैया से भी अब अलविदा करने का टाइम हो गया, भैया ने हमारी हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया से निभाई है, तो उसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे तो मिलकर जरूर जाएंगे। चैनल पे जाना, वीडियो जरूर देखनी है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, नोमैडिक। तो चलो अब चलते हैं गोपीनाथ मंदिर की तरफ, तो भैया चलो, ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे गोपीनाथ मंदिर की तरफ, और गोपीनाथ मंदिर यहाँ से जस्ट थोड़ा सा नीचे, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे ही है, तो जल्दी से पहुँचते हैं गोपीनाथ मंदिर, वहाँ का ब्लॉग बना के फिर जल्दी से निकलेंगे हम जोशीमठ को, क्योंकि बारिश भी होने वाली है, तो बारिश से पहले अगर हम पहुँच जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर हम बारिश में रुक गए ना कहीं तो समझ लो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर आने के बाद में पहले तो सबसे पहले अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं
तो आपको एक पर्ची कटानी पड़ेगी जो लगभग 25 रुपए की एक कैमरा यूज करने के लिए आपको अनुमति देता है। और उसके बाद अंदर आप एंट्री करेंगे तो बहुत सारे भगवान के मंदिर आपको अंदर दिख जाएंगे। और ये सारा जो कैंपस है ये पूरा यहाँ के गोपीधाम मंदिर के अंदर का एरिया है। तो ये पर्ची है 25 रुपए की पर्ची, तो दो पर्ची हमने कटा ली थी और इसके बाद हम अपना फ़ोन वगैरह यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो होता है ना वो हमेशा अधूरा रहता है और ख़तरनाक रहता है, तो पूरा ज्ञान लेने के लिए हमको हमारा भाई अमित भाई ज्ञान देगा, मतलब इन्फॉर्मेशन बताएगा यहाँ के मंदिर के बारे में कि क्या मान्यता और कैसे मंदिर का निर्माण हुआ। तो भैया आए तो भैया को थोड़ा बहुत इतना पता है कि भाई यहाँ पर गोपीनाथ जी का भगवान है, तो यहाँ पे दो भगवान जी मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान रुद्रनाथ जी, मतलब भगवान शिव जी, दोनों की डोलियाँ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को इस्तेमाल क्योंकि ये एक चरवाहा हुआ था, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गायों को लेके आते थे। और दूसरा है भगवान रुद्रनाथ जी, तो जो भगवान रुद्रनाथ पंच केदारों में से भगवान रुद्रनाथ जी है जो चतुर्थ केदार मानते हैं, तो यहीं पर रहते हैं शीतकालीन में, तो जब मतलब ठंडियों का टाइम होता है तो यहाँ पे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने आपको वो अभी बताया था ना भैया, ये पीछे वाला पोर्शन तो वहीं पे सब कुछ रहता है। अच्छा। तो 6 महीने बाद फिर वहीं पे चले जाएंगे। और यहाँ पे त्रिशूल है, ये सिर्फ दो ही त्रिशूल मानते हैं, एक तो यहाँ पे है और एक है क्या बोलते हैं इधर आपके गुमाओं में, तो यहीं पे है। अच्छा। तो ये त्रिशूल का मानते हैं कि ये त्रिशूल हमारे भोलेनाथ जी ने ऊपर से फेंका था जब एक बार हेलो इसमें बोलो नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब कर लो, नोमैडिक तुषार को सब्सक्राइब कर लो और फुल सब्सक्राइब करना है। इतने छोटे छोटे बिग फैन अभी से होने लग गए। तो जो ये त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल को छूने के लिए तो बिल्कुल मना है, और लेकिन इसके बारे में यहाँ लिखा गया है ये त्रिशूल किस तरीके से आया। तो ये जो त्रिशूल है ना, इसके बारे में ऐसा है कि ये त्रिशूल भोलेनाथ जी ने ऊपर से फेंका था जब कामदेव का वध करना था, तो उस समय इस त्रिशूल को पृथ्वी में भेजा था, तो तब ये त्रिशूल यहाँ पे आ गया था। और शायद से कुछ साल पहले तक ये त्रिशूल को हम छू सकते थे, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले हम इस पे छू सकते थे, देन उसके बाद इस पे हल्का फुल्का कुछ रिएक्शन होने लगे, तो जंग की वजह से अब इसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन कल्चर बहुत मुश्किल से भाई ये अभी तक यहाँ पे रहा है। बट इसकी ये मान्यता है कि पहले ये होता था कि आप इस उंगली से टच करेंगे, इस उंगली से टच करने के बाद ये हिलता था, और आप जब पूरे हाथ से भी हिलाओगे तो हिलता नहीं था, तो ये आपकी दिल की जो मान्यता होती है, आप भगवान को मानते हो तो उसी वजह से ये चीज़ें होती है। तो यही कहानी है इस त्रिशूल की। तो देखो कितनी शक्तियाँ होती है कि हमारे जो भगवानों की शक्तियाँ इतनी होती है कि एक पूरे हाथ से अगर आप ये त्रिशूल हिलाओगे ना तो ये त्रिशूल हिलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक छोटी उंगली से अगर आप टच करोगे तो ये त्रिशूल हिल जाएगा। और पहले इसका कलर ना शायद तांबे का हुआ करता था या क्या होता था, लेकिन अब जो इसका कलर है ना ये थोड़ा सा जंग लग गया है। एक्चुअली जो हमारी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम थी उन लोगों ने इसमें केमिकल लगा के इसका आयु निकालने की कोशिश करी थी, तो तब से इसका थोड़ा सा कलर ना आप देखोगे तो ये लोहे रंग का टाइप हो गया, और कहीं कहीं पर ये आपको तांबे का भी दिखेगा, तो आप देखोगे ये तांबा दिख रहा है इधर और कहीं कहीं पर लोहा दिख रहा है, तो ये शायद केमिकल के वजह से इसका जो चेंजेस इसके अंदर आ गया है। और यहाँ बहुत सारी ये खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, खंडित अवशेष रखे हुए हैं इस मंदिर के जो यहाँ हैं, और बहुत सारी भोलेनाथ जी के खंडित मूर्तियाँ और नंदी महाराज की मूर्तियाँ यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो एकदम अच्छे से रखी गई हैं पौराणिक रूप के उसमें। तो ऐसी कुछ कहानी है। और सामने जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना, ये वाला पेड़ कहा जाता है कि ये पेड़ कभी भी झड़ता नहीं है, हमेशा इसमें आपको पत्ते मिलेंगे, चाहे कोई भी मौसम हो हर सीजन में ये पेड़ ऐसा ही आपको दिखता है। और यहाँ की एक मान्यता और है, जो यहाँ की होली है ना वो दुनिया में बहुत फेमस होली है, तो अगर आपको इस होली को देखना है तो हमारे अमित भाई के इंस्टाग्राम आईडी में जाके आप चेक कर सकते हो कि कितनी प्यारी होली यहाँ की होती है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम आगे अपना जोशी मठ के रास्ते पे, और रास्ते में अभी हम पियेंगे एक कुल्लड़ वाली चाय। तो भाई चलते हैं आगे और बाबा के आशीर्वाद के साथ हर हर महादेव अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनली अब यहाँ से जाना पड़ रहा है, जाने का मन तो नहीं था, यहाँ रुकने का मन था, लेकिन अब क्या करें, समय की कमी के कारण हमको यहाँ से अब निकल के वापस अपने जोशी मठ वाले रास्ते में जाना पड़ेगा। और इसी मंदिर को हम यहाँ पे अब छोड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं अब अपने जोशी मठ के रास्ते पे। दोबारा आएंगे होली के टाइम पे और बहुत प्यारी होली यहाँ खेलेंगे, और
उस टाइम लेंगे हम यहाँ का बहुत प्यारा ड्रोन शॉट। तो जो ये मंदिर है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंदिर का जो आकार है वो थोड़ा ऐस तरीके, मतलब कर्व शेप में इसका बनाया गया है, बिल्कुल एकदम खड़ी प्लेन नहीं बनाई है, हल्का सा इसका झुकाव देके फिर इसका निर्माण करा हुआ है। और इसके गुंबद को भी ना, बहुत बड़ा गुंबद इसके चारों तरफ है जो बिल्कुल लकड़ी से ढका हुआ है अभी, और बहुत प्यारा मंदिर लग रहा है। हमारा प्लान थोड़ा सा बदल गया है, अभी गोपेश्वर मंदिर के जस्ट सामने हम खड़े हैं और यहाँ हम अपनी छोटी सी एक स्टोरी बनाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे आपका जोशीमठ के लिए। तो आपने अगर मेरा यहाँ का गोपेश्वर वाला मंदिर का ब्लॉग, गोपीधाम मंदिर का ब्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।